हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 15 पे, लाइट, दैट इज द चैप्टर ऑफ क्लास 7। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि लाइट का पाथ क्या होता है, किस तरीके से लाइट ट्रैवल करता है, एंड देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर में किस तरीके से, प्लेन मिरर में लाइट किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, किस तरीके से हमें इमेज दिख रही है, इमेज कैसी है, मिरर कितने टाइप्स के, ये सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन समझते हैं। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स द रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और होल। यू मे हैव सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प्स ऑफ स्कूटर, कार इंजन एंड द ट्रेन। यानी क्या यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है एक्सपीरियंस लिखा है कि आपने कई बार ये चीजें दिखी होंगी, अंधेरे कमरे मान लीजिए आप हैं और कहीं से अचानक से जो है उजाला कहीं से आता है, तो वो जो लाइट आ रही होती है, वो जो उजाला आ रहा होता है आप देखते हो, एकदम स्ट्रेट लाइन में आता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। और वो जो बीम ऑफ लाइट होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, उसमें कहीं भी बेंडिंग नहीं होती। तो यहाँ पे ये चीज यही बता रहा है कि लाइट किस तरीके से मूव करती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, इसको एक इस एक एक्टिविटी के जरिए भी हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैंडल रखा है और उसको ये बच्चा जो है वो एक स्ट्रेट पाइप से वो देखने की कोशिश कर रहा है, और जब वो देख रहा है तो उसको एक्चुअली ये चीज विजुअलाइज होगी, ये यानी कि जो फ्लेम है, जो लाइट है वो उसको दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दूसरी जो बी एक्टिविटी है इसमें क्या किया, इन्होंने एक पाइप जो है वो थोड़ी सी बेंड ले ली। अब ये जो बेंड पाइप है इसके जरिए लाइट यहां से यहां तक तो ट्रेवल हो रही है, लेकिन यहाँ के बाद ये लाइट टकरा रही है। ठीक है, तो टकरा के लाइट इस तरीके से घूम के नहीं जाएगी, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इस बच्चे को ये लाइट नहीं दिखेगी। ठीक है, इस एक्टिविटी के जरिए हमें ये समझ में आता है कि लाइट हमेशा कैसे मूव करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे पानी में आप अपना चेहरा देख रहे हो, जैसे यहाँ पे यहाँ शेर देख रहे हैं, या फिर इवन जो ऊपर आपको यहाँ पे ट्रीज दिख रहे हैं उसमें भी आपको जो है वो एकदम एग्जैक्ट वैसा ही इमेज दिखता है जैसे यहाँ पे लॉयन का दिख रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रीज दिख रहे हैं, ट्रीज आपको पानी के अंदर दिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपल सा है कि किसी भी चीज से लाइट टकरा के वापस आए। ठीक है, अगर लाइट जो है टकरा के वापस आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको उस चीज का रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये पीछे पॉलिश्ड है, ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे आप जो है आप अपने आप को देखना चाह रहे हो उस इमेज, इस प्लेन मिरर में। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे लाइट आ रही है यहां से, देखिए लाइट यहां से इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, जो लाइट आपके ऊपर नीचे से ट्रेवल कर रही है वो तो आराम से उसमें यहाँ पे इस मिरर के ऊपर पड़ जाएगी, लेकिन जो लाइट आपके पीछे से आ रही है वो टकराएगी और यहाँ पे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे टकराई और यहाँ पे इस तरीके से आई, तो इससे क्या होगा, एक इमेज जो है वो जनरेट, यानी कि जैसे आप हो एग्जैक्ट वैसा ही एक इमेज जनरेट हो जाएगा इस प्लेन मिरर में। ठीक है, और इस प्लेन मिरर में ये जो इमेज जनरेट हुआ है ना, ये एकदम इरेक्ट होगा और उसके बाद सेम साइज का होगा। चलिए इसको हम समझेंगे, लेकिन ये जो लाइट बेंट हुआ, यानी कि ये जो लाइट क्या हुआ, बेंट नहीं हुआ एक्चुअली, टकरा के कहाँ पे पहुंचा है, इस मिरर पे जाके पहुंचा है। ठीक है, इसके वजह से एक इमेज जो है वो जनरेट हुई है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो किसी भी पॉलिश या शाइनी सर्फेस जो है वो एक मिरर के तरीके से एक्ट करता है, एंड द मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ठीक है, किसी भी मिरर पे अगर लाइट जो है पड़ रही है तो वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है, और ये जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है बाय अ मिरर, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डू वी कॉल इट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सिंपल सा मतलब है कि लाइट जब भी मिरर पे पड़ रही है वो उसका डायरेक्शन चेंज कर दे रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, तो जैसे ही लाइट इस पे पड़ी, लाइट ने इसका डायरेक्शन जो है चेंज कर दिया, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, लाइट से इस मिरर से टकराते हुए ही इसका जो डायरेक्शन है वो लाइट का चेंज हो गया, तो इसके वजह से क्या होगा, एक इमेज जनरेट हो जाएगा जिस भी चीज से वो टकरा के आया है। ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी रिफ्लेक्शन को यहाँ पे आप, ये पंचतंत्र की कहानी है जिसमें आप ये देखते हो खरगोश कैसे लॉयन को दिखाता है उसकी खुद की शक्ल, तो ये खुद की शक्ल क्या है, उसकी रिफ्लेक्शन है, उसका इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ये लाइट
जो ट्रैवल कर रहा है वो किस तरीके से उसका डायरेक्शन जो है चेंज कर सकते हैं, इसको हम एक एक्टिविटी के जरिए भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक टॉर्च है और उस टॉर्च को ना पूरी तरीके से कवर कर दिया गया, लेकिन बीच में इस तरीके से पतले पतले स्लिट, जैसे मान लीजिए ये टॉर्च है तो आपने इसको बहुत अच्छे से कवर किया लेकिन पतला पतला इस तरीके से स्लिट जो है वो छोड़ दिया, यानी कि इसको काट दिया, इतना सरफेस काट दिया। तो इधर से क्या होगा, लाइट जो है इधर से निकलेगी। अब अपने टॉर्च ऑन कर दिया, लाइट देखी, अब ये स्लिट से पतली पतली जो लाइट है वो इस तरीके से आपको दिखेगी और आपको एग्जैक्ट उसका चेंज ऑफ डायरेक्शन जो है वो क्लियरली विजुअलाइज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये लाइट यहाँ गई और यहाँ से टकरा के इधर आ गई, इसी तरीके से दूसरी जो दूसरे स्लिट से लाइट गई वो टकरा के इधर आई, तीसरे स्लिट से लाइट गई वो टकरा के इस तरीके से आई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है लाइट का, जिसके वजह से एक जो है इसका जो है एक इमेज जनरेट हो जाएगा ऑन दिस प्लेन मिरर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। अब ये जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसमें हमको दो चीजें दिख रही हैं। पहली चीज, जैसे यहाँ पे इस फिगर में देखिए, आपको दो चीजें दिखती हैं। ये तो आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर कोई भी मिरर होता हो सकता है जो आपके घर में जो आप देखते हो, दैट इज एक्चुअली प्लेन मिरर, जिसमें अपनी इमेज देखते हो। ठीक है, प्लेन मिरर यानी कि उसका सर्फेस कहीं से भी कर्व्ड नहीं है, एकदम सीधा एकदम स्ट्रेट है, फ्लैट सर्फेस है, दैट इज द प्लेन मिरर। ठीक है, अब इसमें आपको देखो दो चीज दिख रही है, एक तो ये इमेज दिख रही है, ये जो सामने कैंडल रखा हुआ है ये एक्चुअल में कैंडल है जिसको आप टच कर पाते हो, जिसको आप फील कर पाते हो, दैट इज द एग्जैक्ट कैंडल। ठीक है, तो ये क्या है, जो चीज आप जिस चीज को टच कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट है और उसकी एग्जैक्ट जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, उसका जो इमेज दिख रहा है बिहाइंड द मिरर, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको इमेज कहते हैं। ठीक है, सो द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर, ये जो मिरर के पीछे आपको कैंडल दिख रहा है ना, ये क्या है, ये इमेज है। ठीक है, उस कैंडल की जो मिरर के पहले रखी हुई है, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज है। ये क्या है, पहला वाला चीज दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज दिस इज द इमेज। ठीक है, ये दो चीजें आपको प्लेन मिरर में दिखती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही है, देखिए फ्लेम ऊपर की तरफ है, इसका भी फ्लेम ऊपर की तरफ है, यानी इमेज जो है उतनी ही बड़ी दिख रही है जितना आपका ऑब्जेक्ट है, पहली चीज। और इमेज का जो पोजीशन है, यानी कि फ्लेम ऊपर है और नीचे उसका ये इस तरीके से खड़ा है, यानी कि बेस जो मोटा है वो नीचे है। ठीक है, सेम ऐसा ही इमेज आपको शीशे में दिख रहा है, यानी कि जो इमेज है वो कैसी है, वो इरेक्ट इमेज है। कैसी इमेज है, इरेक्ट इमेज है। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट, एन इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। ठीक है, प्लेन मिरर से हमेशा जो इमेज आपको दिखती है वो सीधी इमेज दिखती है, साइज उसका सेम होता है और जितना आप डिस्टेंस अपना प्लेन मिरर से जितना आप दूर जाते जाओगे, आपकी जो इमेज है वो भी उतनी ही दूर जाती जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपका प्लेन मिरर है और यहाँ पे आपकी इमेज दिख रही है, ये आप एक्चुअल हो, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये आप खुद हो। ठीक है, और ये आपकी इमेज है, तो ऑब्जेक्ट जितना दूर जाता जाएगा इमेज भी उतनी ही दूर जाती जाएगी। ऑब्जेक्ट जितना पास आता जाएगा प्लेन मिरर के, इमेज उतनी ही पास आती रहेगी। ठीक है, और इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, ये चीज हमेशा है, इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, हमेशा सेम साइज की होगी, हमेशा सेम डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, ये तीन चीज अबाउट द प्लेन मिरर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इमेज को किसी भी, आप शीशे को एकदम वर्टिकल पोजीशन पे, सॉरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लेके आइए तो भी आपको इमेज दिख जाएगी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपका मिरर हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, इमेज आपको वैसे ही दिखेगी, उतना ही सेम साइज, वैसे ही इरेक्ट, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, अब ये जो प्लेन मिरर में है, जो हमें याद करने लायक चीजें हैं, जो हमें समझने लायक चीजें हैं, दैट इज इन द प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के पीछे होगा और जो इमेज होगी दैट विल बी इरेक्ट, दैट विल बी ऑफ सेम साइज और उसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल ऑल्सो बी द इक्वल डिस्टेंस, वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि 5 सेंटीमीटर, या 5 सेंटीमीटर बहुत कम हो गया, मान लीजिए कि वो 30 सेंटीमीटर दूर प्लेन मिरर है मान लीजिए। ठीक है, और प्लेन मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर आप हो तो आपकी इमेज भी एग्जैक्ट 30 सेंटीमीटर दूर ही खड़ी हुई दिखेगी आपको। ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी ऑफ सेम डिस्टेंस, ये जो साइज है वो भी सेम होगा, ये भी इरेक्ट है और ये भी इरेक्ट होगा। ठीक है, ये बात आपको प्लेन मिरर से याद रखनी है।
अब जो सेकेंड इम्पोर्टेंट बात है अबाउट द प्लेन मिरर कि यहाँ पे राइट और लेफ्ट का लोचा होता है। अब राइट और लेफ्ट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप अपनी उंगलियां देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप इमेज देख रहे हो, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से पांच, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये आपका थंब है, ये आपका थंब है और ये आपका लिटिल फिंगर है, ठीक है। जब आप इमेज देखोगे ना तो लिटिल फिंगर, देखिए लिटिल फिंगर क्या है, मिरर के क्लोज है ना, तो लिटिल फिंगर यहाँ भी मिरर के क्लोज होगा, ठीक है, और बाकी इस तरीके से आपको दिखेगा थंब इस तरफ से, यानी कि जो चीज यहाँ पे, अब देखिए इधर यहाँ पे थंब जो है वो इधर किसमें दिख रहा है, राइट हैंड साइड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थंब जो है वो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे राइट और लेफ्ट का होता है थोड़ा रुचा। जब आप इमेज देखते हो ना तो इमेज हमेशा जस्ट ऑपोजिट दिखती है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यू विल फाइंड दैट मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट, ठीक है, राइट लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट राइट दिखता है इंटरचेंज, सिर्फ साइड्स इंटरचेंज होता है, जो इरेक्ट है वो वर्टिकल नहीं, मतलब सॉरी वो इन्वर्टेड नहीं हो जाएगा और ना तो कोई और चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो है राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाता है। इसी वजह से जो गाड़ियों में, जो एम्बुलेंस की गाड़ियां होती है उसमें एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा होता है ताकि जब आप साइड व्यू मिरर से देखते हो, कार से देखते हो, तो आपको एम्बुलेंस जो है ऑब्वियसली शीशे में जो आप देखोगे तो एम्बुलेंस आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा आपको अपने शीशे में, तो आप आराम से साइड कर लोगे अपनी कार और एम्बुलेंस को जगह दोगे जाने के लिए, इसलिए एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा होता है, ये जो है इसी बेसिस पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ये इसी चीज को बता रहे हैं कि एम्बुलेंस जो है वो आप ये सरप्राइज जाओगे देख के कि कितना कैसा उल्टा लिखा है, बट एक्चुअली वो इसी चीज को बेस में रख के कि आपको हमेशा शीशे में वो क्लियर एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखेगा और आप आसानी से जो है उसे जाने दोगे क्योंकि वहां पे इमरजेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये राइट और लेफ्ट का जो चीज है ना, इसको हम आगे आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे लेटरली इन्वर्टेड, क्या पढ़ते हैं, लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि जब राइट को लेफ्ट दिखे और जब लेफ्ट जो है राइट दिखे, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर से आपको जो है चार चीजें देखने को मिली, ठीक है, प्लेन मिरर से आपको चार चीजें देखने को मिली। पहली चीज, जो आप जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही आपका इमेज होगा एकदम इरेक्ट पोजिशन पे, ठीक है। दूसरा जो है साइज जो है वो सेम होगा, सेम साइज, ठीक है। तीसरी बात जो है वो क्या होगी कि लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा और बिहाइंड द मिरर होगा, ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, डिस्टेंस भी सेम ही होगा, ये बात आपको पता ही है। अब यहां पे मैंने कहा प्लेन मिरर, ठीक है, क्या मिरर और भी तरीके के होते हैं, यस, मिरर जो है वो स्फेरिकल भी होता है, कैसा, स्फेरिकल मिरर, मिरर स्फेरिकल भी होता है, यानी कि मिरर दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में मैंने आपको क्लियर बता दिया कि प्लेन मिरर जो है वो एकदम फ्लैट होगा, जब आप उसको टच करोगे या मान लीजिए उस मिरर के ऊपर आप एक कंचा रख के देखो, वो एकदम उसी उसी जगह पे रहेगा, यानी कि उसी मिरर के ऊपर रहेगा, तो वो प्लेन मिरर है एकदम, चारों तरफ से सेम सेंटीमीटर जितना भी वो थिकनेस जो होगी वो उसके चारों तरफ से, चाहे बीच में देखिए चाहे साइड में देखिए, एकदम सेम थिकनेस होगी। लेकिन स्फेरिकल मिरर क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि एक स्फेयर, एक शीशे का एक स्फेयर, ठीक है, शीशे का एक बॉल ऐसा समझो, तो वो जो है वो स्फेरिकल मिरर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसके जरिए आप स्फेरिकल मिरर को बहुत ही क्लियरली समझ सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे प्लेन मिरर को समझना है, आप एक थाली ले लीजिए और उस थाली को देखिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे बूझो ने क्या किया, एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट ली और उसने अपना इमेज देखा, तो उसने देखा कि जो उसकी इमेज थी वो इरेक्ट थी और सेम साइज की थी। अब ये दोनों ही प्रॉपर्टी किसकी है, दोनों प्रॉपर्टी किसकी है, प्लेन मिरर की, तो यानी कि जो आपका वो प्लेट है वो प्लेन मिरर जैसा है क्योंकि वो एकदम सेम थिकनेस होता है चारों तरफ, ठीक है। लेकिन जब उसने स्पून को देखा, तो स्पून में आप देखिए, स्पून में एक हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ धंसा होता है, जैसे आप स्पून ऐसे साइड से देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको स्पून दिखेगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा ऐसे अंदर की तरफ धंसा होता है और अगर इधर से देखोगे तो ये हिस्सा उभरा हुआ होता है, इधर से देख रहे हो तो धंसा हुआ होगा, ठीक है, केव की तरीके से होगा, और जब इधर से देखोगे तो ये इस तरीके से उभरा हुआ हिस्सा होगा, ठीक है। तो जब भी आप इधर से देखते हो, ठीक है, जब भी आप इधर से देखोगे तो आपको इमेज जो है वो इन्वर्टेड दिखेगी, जैसे यहाँ पे दिख रही है ना, ये वाला जो इमेज है, ये जो आपका फिगर 15.11 है, ये हम
चम्मच को जिस जिस तरीके से हम खाते हैं ना, जैसे चम्मच को उस वाले एरिया से हम देख रहे हैं, जैसे इस वाले इधर से हम देखेंगे जब चम्मच में, तो आपको अपनी इमेज जो है वो उल्टी दिखेगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है। लेकिन जब आप नीचे देखोगे पहली वाली एक्टिविटी, तो यहाँ पे क्या है, जो चम्मच का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसकी बात कर रही हूँ, यहां से देखोगे जब आप, तो आपको अपनी इमेज जो है वो एकदम सीधी दिखेगी, इरेक्ट दिखेगी, लेकिन छोटी दिखेगी, ठीक है, साइज जो है वो स्मॉलर हो जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे जैसे आप अपने स्पून को अपने पास लेके आते जाओगे, आपका इमेज मैग्निफाई भी होता जाएगा, बट लेट इट बी, यहां तक अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि जो आपकी इमेज है वो एक में इरेक्ट दिखती है और एक में इन्वर्टेड दिखती है, ठीक है। जब भी आप अंदर वाले हिस्से में देखते हो तो आपको आपको इमेज कैसे दिखेगी, आपको इमेज दिखेगी इन्वर्टेड, ठीक है। लेकिन जब भी आप उभरे वाले हिस्से पे देखते हो तो आपको इमेज कैसे दिखेगी, आपको इमेज दिखेगी इरेक्ट दिखेगी, ठीक है, इरेक्ट एंड स्मॉलर, ठीक है, इरेक्ट दिखेगी और स्मॉलर दिखेगी। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ये कर्व्ड शाइनिंग सर्फेस ऑफ ए स्पून, ठीक है। अब ये जो कर्व्ड सर्फेस है, स्पून जो होता है वो काफी शाइनी होता है ना, ठीक है। अब उसके बाद इस स्पून को देखिए, ये कर्व है, ठीक है, इस तरीके से कर्व बना है, अंदर की तरफ जो है वो धंसा हुआ है जहां से हम खा रहे हैं, ये जो पीछे का जो हिस्सा होता है वो उभरा हुआ होता है ये, लेकिन ये दोनों ही कर्व्ड सर्फेस है, तो ये भी एक तरीके का मिरर है, क्योंकि इसमें आपको अपना चेहरा तो दिख रहा है, ठीक है। अब जिस भी चीज में आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है उसको आप मिरर कह सकते हो, ठीक है, उसको आप मिरर कह सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, एक गोल गेंद जो है शीशे की गेंद, उसको आप कर्व्ड मिरर कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव देन इट इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर, ठीक है। जैसे आप केव का मतलब क्या होता है, इस तरीके से जो आप ये देखते हो, तो यहाँ पे ये देखिए, ये हिस्सा धंसा हुआ है, ठीक है, कोई भी हिस्सा, कोई भी सरफेस जिस तरीके से कर्व हो और अंदर की तरफ धसी हुई हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव, जिस तरफ लाइट पड़ रही है, ध्यान देना, जिस तरफ लाइट पड़ रही हो, पीछे का सरफेस जो है वो हमने पॉलिश कर दिया है और यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, लाइट जिस तरफ से पड़ रही है, यानी कि जिस तरफ से आप देख रहे हो, अगर वो सरफेस इस तरीके से कर्व है, वो सरफेस इस तरीके से केव के फॉर्म में, केव कैसा होता है, जैसे आप किसी गुफा में जाते हो तो केव अंदर की तरफ जा सकते हैं ना, वैसे उसी तरीके से याद कर सकते हो केव, ठीक है। तो यानी कि अगर सरफेस इस तरीके से अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, उसको हम कहते हैं केव, यानी कि कॉनकेव, ठीक है। और दूसरा, अगर सरफेस इस तरीके से उभरा हुआ हो, जिस तरफ लाइट पड़नी है, अगर वो सरफेस इस तरीके से उभरी हुई हो, तो ऐसे सरफेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनवेक्स मिरर, क्या कहते हैं, कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए यहाँ पे दोनों चीजें लिखी है, कॉनकेव एंड कॉनवेक्स। यहाँ पे अगर आप इधर से लाइट देखोगे ना, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे पेंट कर रखा है। लेकिन जब यहाँ पे देखोगे, इस तरफ जब लाइट पड़ेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, इस तरफ जब लाइट देखोगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, अंदर की तरफ केव के फॉर्म में है, इस तरफ लाइट पड़ रही है, इस तरफ लाइट पड़ रही है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉन्वेक्स, लेकिन अगर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कॉन्वेक्स है, यानी कि इस तरीके से अगर उभरा हुआ है, लाइट इस तरफ से पड़ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बॉल है, यहाँ पे शायद एक एक्टिविटी भी दी गई है, आप उससे भी समझ सकते हो। जैसे ये देखिए, ये एक एक्टिविटी है, ये सिंपल जिस भी बॉल से आप खेल रहे हो, उस रबड़ की बॉल है, और उसको ना इस तरीके से कट कर दिया। कट करने के बाद देखिए, जो ये अंदर वाला हिस्सा है, जो बॉल के अंदर वाला हिस्सा है, जो नॉर्मली आपको नहीं दिखता है, वो अंदर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव सर्फेस कहेंगे। और जो ऊपर वाला हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा जिसको आप टच कर, जब कटा हुआ नहीं था, जब आप टच कर पा रहे थे, ये वाला हिस्सा, ये रेड वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स सरफेस कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में आई होप आपको समझ में आया हो। अब ये जो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, इसको स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, स्फेरिकल मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक स्फेयर से ही कटा हुआ हिस्सा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपका, सॉरी, ये जो आपका बॉल का जो ये हिस्सा दिख रहा है, इसको मैं कह रही हूँ कॉन्वेक्स सरफेस, या इसको मैं कह रही हूँ कॉनकेव। तो ये किससे आया, ये एक स्फेयर से तो आया, एक बॉल से तो आया है, यानी एक बॉल का कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है।
इसीलिए इसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, क्योंकि ये कभी गोल था जिसको हमने कट कर दिया है, ठीक है। और फिर उस हिसाब से हम उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बन गई और उस पर हमने लाइट पास किया और वो रिफ्लेक्ट हुआ और हमें चीजें दिखी, ठीक है। सो द इनर सर्फेस ऑफ द स्पून एक्ट लाइक अ कॉनकेव मिरर, जो अंदर का जो सर्फेस है वो कॉनकेव मिरर कहलाता है, ठीक है। अंदर का जो सर्फेस है वो कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये जो ये है ना, ये वाला हिस्सा जो हम जिधर से खाते हैं, ये क्या है, धसा हुआ हिस्सा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। इधर से अगर देख रहे हैं तो कॉनकेव मिरर, और अगर इधर से देख रहे हैं तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सो वी नो दैट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता। अब ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे आप जो है अपने आप को देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर ना, कोई लाइट इधर जा रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर कोई लाइट इधर जा रही है, तो इससे क्या हुआ, एक इमेज जो है जनरेट। मान लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हो, पीछे एक आपने स्क्रीन लगा दी, सॉरी पीछे आपने मान लीजिए एक स्क्रीन लगा दी, व्हाइट स्क्रीन लगा दी, तो लेकिन फिर भी आप जब इमेज अपने प्लेन मिरर में देखोगे तो आपको इमेज इस स्क्रीन पे नहीं दिखेगी, क्योंकि कोई लाइट इधर मूव कर रही है, कोई लाइट इधर मूव कर रही है, एक जगह इकट्ठी नहीं हो रही। तो जब एक जगह इकट्ठी नहीं होगी तो आपको वो इमेज स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। तो आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है कि जो प्लेन मिरर है वो कभी भी उसमें जो इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं बनती है, ठीक है। प्लेन मिरर में जो इमेज है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जाती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है प्लेन मिरर के बारे में। अब यहां पे देखिए, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, अगर इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो पा रही है तो उस इमेज को हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। लेकिन अगर इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो पा रही, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेन मिरर का है, ऑब्टेन नहीं हो पा रही है, तो ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। यानी कि प्लेन मिरर में जब आप अपने आप को देखते हो तो वहां पे आपकी जैसी शक्ल जो है वो इमेज में तो दिख जाती है, लेकिन वो इमेज कहीं और आप जनरेट नहीं कर सकते, किसी और पर्दे पे नहीं ला सकते उसको, इसलिए उसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। लेकिन आपने प्रोजेक्टर पे देखा होगा, कई जगह आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, या फिर आप जो ये PVR सिनेमा इन सब में जाते हो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली जो है लगे होते हैं स्फेरिकल मिरर, और उस स्फेरिकल मिरर के वजह से क्या होता है, लाइट जो है वो एक जगह इकट्ठा होती है, जिसकी वजह से आपको वो इमेज जो है पर्दे पे ऑब्टेन हुई दिखती है। तो उस इमेज को हम क्या कहेंगे, रियल इमेज कहते हैं। जब भी कोई भी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए, स्क्रीन का मतलब ये नहीं कि मिरर में दिख जाए, स्क्रीन का मतलब है कि जिस भी जगह आपको दिख रहा है उसके ऑपोजिट जगह, यानी कि जिस तरफ आप हो उस तरफ अगर वो इमेज ऑब्टेन हो पा रही है तो वो आपकी रियल इमेज होगी, और अगर ऑब्टेन नहीं हो पा रही है तो वो इमेज आपकी वर्चुअल इमेज कहलाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ये कॉनकेव मिरर से कुछ रियल इमेजेस बन रहे हैं यहाँ पे। ऑल्दो दिस इज एन एक्टिविटी, ये आप करके देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। सिंपल यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे लाइट है, कॉनकेव मिरर से ये लाइट देखो, यहाँ से लाइट टकराई और टकराने के बाद यहाँ पहुंची, तो इससे क्या होगा, एक इमेज आपको दिख रही है। अब कॉनकेव मिरर में याद रखना, आपको इमेज कैसी दिखती है, उल्टी इमेज दिखती है। तो फ्लेम आपकी जो ये कैंडल में जो फ्लेम है वो तो आपकी ऐसी है, ठीक है। इसको मैं किसी और कलर से बनाने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे आपको, हाँ, जो कैंडल में आपको जो इमेज है वो आपको ऐसे दिख रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इस स्क्रीन पे आपको इमेज है वो कुछ ऐसी दिख रही है। अब मैंने जो बनाया उससे आपको समझ में अंदाजा लग रहा हो कि ये उल्टी इमेज दिख रही है। कैसी इमेज दिख रही है, पहली बात तो ये रियल इमेज है, तो ये इमेज उल्टी दिख रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड। वर्चुअली कह रही है, इसको हम कह रहे हैं इन्वर्टेड। अब क्योंकि ये स्क्रीन पे ऑब्टेन हो पा रही है, इसलिए ऐसी इमेज को हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। क्या कहते हैं, रियल इमेज। देखिए अब यहाँ पे, यहाँ भी आपको रियल इमेज दिख रही है, ठीक है। जितना आप क्लोज, जितना आप दूर, अब यहाँ पे ये कैंडल जो है वो काफी दूर था, यहाँ कैंडल काफी पास आ गया है, तो आपको इमेज और बड़ी दिख रही है, ठीक है। लेकिन इमेज अगेन आपको इन्वर्टेड ही दिखेगी, अगेन आपको रियल इमेज ही दिखेगी, क्योंकि ये स्क्रीन पे ऑब्टेन हो पा रही है, कॉनकेव मिरर के जरिए हम इसको ऑब्टेन करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से आपको समझ में आ रहा है कि वर्चुअल इमेज क्या होता है और रियल इमेज क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्टिविटी है।
अब ये जो वर्चुअल इमेज है, देखिए कई बार ऐसा भी होता है, अब यहाँ पे आपको ये इमेज जो है वो सीधी भी दिख रही है। वर्चुअल इमेज में मैंने आपको क्या बताया कि वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती है, दूसरी बात मैंने बताया इन्वर्टेड। लेकिन अगर आप बहुत पास लेके आओगे ना, कॉनकेव मिरर के अगर इमेज को बहुत पास लेके आओगे तो वो आपको सीधी भी दिखेगी और मैग्नीफाइड भी दिखेगी। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, सीधी भी दिखेगी और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है ना जितना आपका साइज उससे काफी दुगना दिख जाए, ठीक है। जैसे आपको फ्लेम दिख रही है यहाँ पे, फ्लेम कितनी पतली सी फ्लेम है यहाँ पे, एकदम मतलब इसका डिस्टेंस सिर्फ इतना सा है, लेकिन यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है वो इतना हो गया, यानी कि लगभग उसका डबल हो गया, तो यानी कि मैग्नीफाई हो गया। तो कॉनकेव मिरर में जो ये आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा रही है, वो अगेन मैग्नीफाइड भी हो गई अगर उसको काफी क्लोज आप ले आओ तो, ठीक है। तो इस तरीके से साइज जो है वो छोटी भी हो जाती है, साइज बड़ी भी बनती है, साइज रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है, इरेक्ट भी बनती है, इन्वर्टेड भी बनती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप उसके सामने प्लेन मिरर रख रहे हो, कॉनकेव मिरर रख रहे हो या कॉन्वेक्स मिरर रख रहे हो, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है इमेज कैसी बनती है, ठीक है। सो इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये बात आ रही है कि इमेज जो है जो कॉनकेव मिरर से बन रही है वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अभी आपने देखा कि कैसे हमने बड़ा छोटा करके देखा, ठीक है, इन साइज देन द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि साइज जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और ये जो इमेज होती है वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। ऐसा भी होता है कि कई बार इमेज ऑब्टेन्ड नहीं कर पाते हम स्क्रीन पे, और ऐसा भी होता है कई बार स्क्रीन पे इमेज जो है वो ऑब्टेन हो जाती है कॉनकेव मिरर की, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कॉनकेव मिरर है इसका किस काम आता है ये कॉनकेव मिरर, तो आपने कई बार देखा होगा कि जैसे दांत में या आंखों में या कान में, नोज में, थ्रोट में, जब डॉक्टर्स देखते हैं तो वो एक मिरर के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सरफेस, मान लीजिए जैसे आपको दांत में देखना है, जैसे आपके दांत है और दांत में उस छोटा सा कोई भी चीज पड़ा हुआ है, तो अगर हम एकदम प्लेन मिरर से उसको देखने की कोशिश करेंगे तो जितना छोटा है उतना ही छोटा हमें दिखेगा, तो हमें क्या मतलब है उससे देखने का। हम क्या करेंगे, हम कॉनकेव मिरर को ले लेंगे। अब कॉनकेव मिरर से आपने देखा कि जब आप उसके एकदम क्लोज लेके जाओगे तो वो मैग्नीफाई हो जाएगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाई हो जाएगा, उसकी इमेज मैग्नीफाई हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो छोटी सी चीज है इसको जब आप कॉनकेव मिरर के जरिए देखोगे ये छोटी सी चीज इतनी बड़ी दिखेगी, ठीक है। अब जब ये इतनी बड़ी दिखी तो डॉक्टर को आराम से समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है और उसका वो करेक्ट सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो डॉक्टर्स यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज, यानी कि ENT के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो यूज बाई डेंटिस्ट टू सी द इनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ, अगेन ये वाली बात मैंने अभी आपको समझा दी। नेक्स्ट, द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स, जो आपके ट्रेन के मतलब इंजन के जो ऊपर आपको हेडलाइट्स दिख रही थी, जो आपको मैंने स्टार्टिंग बताया, यहाँ भी आपका कॉनकेव मिरर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच इज इन अ कॉनकेव शेप, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक डेंटिस्ट जो है पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, तो आपको ये दांत इतना छोटा से कितना वो बड़ा दिख रहा है, ठीक है, तो इससे बहुत इजी हो जाता है चीजों को देखना। नेक्स्ट, ये रिफ्लेक्टर है टॉर्च के अंदर, टॉर्च का रिफ्लेक्टर देख पा रहे हो आप, ये केव के तरीके से देखो, यहाँ पे अगर मान लीजिए आप अंदर घुसो तो कैसे अंदर की तरफ घुसने की कोशिश हो पा रही है, ठीक है, तो यानी कि ये कुछ इस तरीके का सर्फेस है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। तो ये कैसा सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, तो यहाँ के इसके अंदर जो मिरर होगा दैट विल बी कॉनकेव मिरर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये इमेज फॉर्म हो रही है कॉनवेक्स मिरर से, देखो इमेज कॉनवेक्स मिरर से आपको कैसे दिख रही है, इरेक्ट दिख रही है। पहली बात, जो कॉनवेक्स मिरर से जो आपको इमेज दिख रही है वो इरेक्ट दिख रही है, और दूसरी बात काफी छोटी दिख रही है, ठीक है, काफी स्मॉलर दिख रही है, साइज इसका काफी छोटा है, ठीक है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से अगर आप इमेज को देख रहे हो तो उसकी उसका साइज काफी छोटा है, और जो जो आपको इमेज है वो इरेक्ट इमेज दिख रही है, ठीक है। तो इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं, आपने देखा होगा जो कार है साइड में आपको इस तरीके से मिरर लगा हुआ दिखता है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब यहाँ प्लेन मिरर क्यों नहीं लगाते, प्लेन मिरर इसलिए नहीं लगाते कि जैसे मान लीजिए अगर कोई ट्रक आ रहा है, जितनी बड़ी ट्रक है उतना बड़ा अगर शीशे में दिखेगा तो कुछ और चीज दिखेगा ही नहीं, ठीक है,
तो हमें ऐसी ऐसा मिरर चाहिए जिसमें चीजें छोटी दिखे और सरफेस वाइडर हो जाए, यानी कि हमें ज्यादा चीजें दिखे, ठीक है, ज्यादा कार दिखे हमें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कॉन्वेक्स मिरर लगाया। अगर हम यहाँ पे कॉन्केव मिरर लगा देते तो अगेन जब वो गाड़ियां एकदम क्लोज आती तो और ज्यादा बड़ी दिखती हमें, मैग्निफाई दिखती। तो मैग्निफाइड की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ कॉन्वेक्स मिरर को लगाया है एज अ साइड व्यू मिरर, ठीक है। तो इसमें हमें जो भी कार है, देखिए कार जो है वो इरेक्ट भी दिख रही है, और दूसरी चीज कार का साइज जो है वो हमें स्मॉलर भी दिख रहा है, इससे जो सरफेस एरिया जो है यानी कि जो इसका एरिया जो है वो भी वाइडर हो गया, यानी कि हमें ज्यादा एरिया दिख पा रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहां तक बात आती है मिरर की, लेंसेज के बारे में हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। जिस भी चीज में डाउट हो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।